प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं नाचन कांग्रेस नेता किशोरी वालिया ने आज कनाड में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत अनाप शनाप बयान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बारे में दे रही है, जो कि प्रदेश की संस्कृति एवं लिहाजे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के बारे में अध्ययन करें, क्योंकि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का प्रदेश के विकास में काफी योगदान रहा है। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है वो जनता का चुनाव बनता जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज से 10 वर्ष पहले सत्ता में आई थी और जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे कि महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और उन सब बातों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। और आज जिस तरह से युवाओं के साथ उन्होंने छल किया, उसको लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के बीच में घर घर जा रही है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो एक बहुत ही तेज तरार युवा प्रत्याशी हैं और उनके साथ प्रदेश का हर वर्ग जो है उनके साथ जो है वो उनको बहुत लोकप्रिय मानता है और उनके कार्य की वजह से आज वो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और जिस तरह से भाजपा की प्रत्याशी जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से आज हर जगह जा जाकर इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी जो है वो विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ कर रही है, उससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ की मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को सीधा पता है कि प्रदेश में इतनी भारी आपदा आई और आपदा के समय में वो कंगना रनौत जी कहीं भी नजर नहीं आई। और बॉलीवुड के कलाकारों ने, जिसमें आमिर खान जी थे, उन्होंने यहाँ पे आर्थिक मदद की और बहुत सारी हस्तियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। विक्रमादित्य जी हर जनसभा में उनको अपनी बड़ी बहन कहकर पुकारते हैं। वो मुद्दों की लड़ाई जो है वो जनता के बीच में लड़ रहे हैं और विकास पे वो बात करना चाहते हैं। वो इसलिए उन्होंने कंगना रनौत को खुली चुनौती दी है कि अगर मुद्दों पे कोई वहाँ डिबेट करनी है तो शेरी मंच पे आके उनसे डिबेट करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भ्रामक बयानबाजी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो जनता के बीच में इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता जो है वो मतलब उनके उनके झूठे बयानों में आकर ये सोचे कि ये सरकार जो है वो गिरने वाली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो 5 साल का कार्य पूर्ण करेगी। मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।